जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप भी टीए आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले। आखिर टीए आर्मी का भर्ती प्रोसेस क्या होता है, कैसे भर्ती किया जाता है, टीए आर्मी की रैली भर्ती किस प्रकार होती है, क्या स्टेट वाइज होती है या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है या फिर जोन वाइज आपकी रैली भर्ती करवाई जाती है। साथ ये बात करने वाले की कौन कौन सी पोस्टों की यहाँ पर भर्ती आती है, सोल्जर, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ में आपके कलर की जो वैकेंसी आती है वो क्या किस किस प्रकार आती है, क्या क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, भर्ती प्रोसेस के बारे में पूरा जानने वाले। अगर आप भी टीआरपी में भर्ती होना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल से पूरी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले। क्या वो बेनिफिट्स है जो इंडियन आर्मी में नहीं मिलते और टीए आर्मी में यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएं, तो उससे पहले दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सेना रैली भर्ती से रिलेटेड तमाम बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टीए आर्मी की रैली भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीए आर्मी की जो रैली भर्ती होती है आपकी वो जोन वाइज होती है और ये जोन होते हैं आपका जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार जोनों में आपकी भर्ती होती है। अलग अलग जोन की भर्ती है वो अलग अलग समय पर आपकी भर्ती करवाई जाती है। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें तो सोल्जर जीडी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका है सोल्जर जीडी में भर्ती होने के लिए जो इंडियन आर्मी से ओवरएज हो चुके हैं, मतलब जिनकी एज 18 से लेकर 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, वो यहाँ पर टीए आर्मी में सोल्जर की पोस्ट पे भर्ती हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एज क्रिटेरिया दोस्तों 18 साल से लेकर 42 वर्ष का रखा गया है। इसमें आप सोल्जर जीडी ले लो, कलर्क ले लो, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेडमैन, सभी में आपकी एज क्रिटेरिया है वो 18 से 42 वर्ष का ही रखा जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो इंडियन आर्मी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बड़े बदलाव कर देगी। कुछ युवा ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाते तो उनके लिए टीए आर्मी में भर्ती होने का बड़ा मौका है, क्योंकि यहां पर अगर आप 10th पास हो और अगर 10th में 45% से कम नंबर अगर आपके बन रहे हैं और अगर आप 12th पास हो तो यहां पर आप सोल्जर जीडी की भर्ती देख सकते हो, जबकि इंडियन आर्मी में आप सोल्जर जीडी की भर्ती नहीं देख सकते। अगर 45% से कम अगर आपके एग्रीगेट नंबर बन रहे हैं और 12th में अगर आप 12th में आपके 80% क्यों ना बन रहे हो, आप इंडियन आर्मी की भर्ती में सोल्जर जीडी की भर्ती नहीं देख सकते। ये बड़ा रूल है जो सेना की तरफ से बदलाव किया गया है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। खासतौर से अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी और टीए आर्मी में बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। जितना बेनिफिट आपको इंडियन आर्मी में दिया जाता है उस सारा का सारा बेनिफिट्स आपको टीए आर्मी में भी मिल जाएगा। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो और अगर आप अगर टीए आर्मी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो टीए आर्मी का जो जॉब है, टीए आर्मी है, वो इंडियन आर्मी से बेटर होती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको जो आपका वर्कलोड होता है वो बहुत ही कम आपको मिलता है, क्योंकि इंडियन आर्मी है वो भारत के जितने भी हाई अलर्ट एरिया है, बड़े ऑपरेशंस है, उसमें इंडियन आर्मी के जवान शामिल होते हैं, जबकि टीए आर्मी के जवान है वो अपने सेंटर में रहते हैं और आपातकालीन स्थिति में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया है उनको यहाँ पर पोस्टिंग है वो मिलती रहती है इंडियन आर्मी की तरह। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट्स आपके सारे मिलने वाले आपको, जैसा कि अर्क सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी आपको अगर टीए आर्मी में भर्ती होते तो आपको मिलेगा, साथ ही सन ऑफ अर्क सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, कैंटीन कार्ड है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पेंशन है, सब कुछ आपको टीए आर्मी में भी मिलने वाला है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर टीए आर्मी है वो क्या परमानेंट जॉब है या फिर टेम्पररी बेसिस पे है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, टीए आर्मी है वो परमानेंट जॉब है, टेम्पररी बेसिस पे नहीं है, क्योंकि पहले एक या दो यूनिट ऐसी थी आर्मी की, टीए आर्मी की, जो आपके टेम्पररी बेसिस पे थी, लेकिन अब सभी यूनिट्स को परमानेंट कर दिया गया और ये आपकी होती है दोस्तों जो भी आपके इंडियन आर्मड फोर्सेस के जो सेंटर होते हैं, जैसे बड़े बड़े अगर हम बात करें जैसे कि राजरीप है, जाट रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर है, राजपूत सेंटर है, उन सभी में एक एक यूनिट आपकी रिजर्व रखी जाती है टीए आर्मी की। जैसा कि दोस्तों पैरा में पैरा एसएफ की भी आपके जो टीए आर्मी की एक यूनिट है, जैसा कि आपने सुना भी होगा महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था, वो भी पैरा एसएफ, टीए के पैरा एसएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा जॉब होता है अगर आप टीए आर्मी की भर्ती देखते हो अच्छी तैयारी के, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल प्रोसेस है वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी होती है वो होती है कम
और कैंडिडेट होते हैं ज्यादा, इसलिए थोड़ा फिजिकल प्रोसेस है वो थोड़ा टफ होता है। पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते थे, मेडिकल क्वालिफाई हो जाते थे, उसके बाद में आपका डायरेक्टली इंटरव्यू करवाया जाता, और इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद में आपको फाइनली यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, अब टीए आर्मी में भी इंडियन आर्मी के बेसिस पर रिटन एग्जाम करवाया जाता है, और फिजिकल में भी अब ज्यादा कैंडिडेटों को पास किया जा रहा है। पहले बहुत ही कम कैंडिडेटों को फिजिकल आपकी रनिंग में क्वालिफाई किया जाता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कैंडिडेटों को रनिंग में क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि अब आगे रिटन टेस्ट होता है। रिटन में जिनको एबिलिटी है वो रिटन क्वालिफाई करेंगे, उन सबको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा जॉब है, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि टीए आर्मी की रैली भर्ती है, इस साल की एक भी रैली भर्ती अभी तक नहीं हुई है, जल्द इसकी रैली भर्ती आने वाली है, और बड़ी और बम्पर रैली भर्ती भी आपके आ सकती है, क्योंकि दोस्तों एक साल हर साल आपके टीए आर्मी की अलग अलग जोनों में आपकी रैली भर्ती आती है। जैसा कि मैंने पहले आपके सामने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि फर्स्ट जोन है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, सेकंड जोन में कौन से राज्य आते हैं, थर्ड में कौन से आते हैं, फोर्थ में कौन से आते हैं, और उन राज्यों के जोन के हिसाब से ही आपकी ये सेना रैली भर्ती करवाई जाती है। तो दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी या फिर टीए आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर टीए आर्मी में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले जो इंडियन आर्मी से बेटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई रिलेटिव अगर टीए आर्मी में भर्ती हुआ है तो उसे आप जानकारी ले सकते हैं कि टीए आर्मी इतनी अच्छी है कि आपको वर्कलोड बहुत ही कम मिलेगा, आपको जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन आर्मी के एक सोल्जर के बराबर आपको सैलरी मिलेगी, जितने भी बेनिफिट्स इंडियन आर्मी में दिए जाएंगे वो सारे बेनिफिट्स आपके टी आर्मी में भी दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये टी आर्मी है ये इंडियन आर्मी के अंडर में ही काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे ही ये काम करती है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर टी आर्मी क्या है, कैसे भर्ती प्रोसेस होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को एक बार सही से हम बता दें कि टी आर्मी और इंडियन आर्मी में बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। आप अच्छे तैयारी करें टी आर्मी की और टी आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट रैली के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।